गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। बच्चों आप हिंदी पढ़ोगे ना टीचर के साथ, तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हमने इसके पहले व्यंजन पढ़े हैं ना, तो आज हम व्यंजन पढ़ेंगे ट टमाटर का और ठ ठप्पे का। ओके, तो चलो देखो ब्लैक बोर्ड। टुडेज डेट 24/11/2021, टुडेज डे वेडनेसडे, क्लास के जी एन, सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ेंगे बच्चों? व्यंजन पढ़ेंगे। कौन से व्यंजन पढ़ेंगे? ट टमाटर का एंड और ट टमाटर का और ठ ठप्पे का। ओके, देखो आपको पता है हिंदी का होमवर्क टू लाइंस के कॉपी में करना पड़ता है। आपको पता है ना हिंदी का होमवर्क टू लाइंस के कॉपी में करना पड़ता है। तो अभी दिवाली के बाद के होमवर्क के लिए, अभी आप दिवाली के बाद जो होमवर्क करोगे ना, उसके लिए आपको टू लाइंस की न्यू कॉपी बनानी है। उसी में आपको पूरा दिवाली के बाद का होमवर्क करना है। टू लाइंस की न्यू कॉपी बनाओगे फिर उसमें आप होमवर्क करोगे दिवाली के बाद का। ओके, तो अभी कौन से व्यंजन राइटिंग करेंगे? टमाटर का एंड और ठ ठप्पे का। देखो हिंदी का होमवर्क टू लाइंस की कॉपी में करते ना, तो टू लाइंस प्रॉपर टू लाइंस में आपको क्या राइटिंग करना है? द टमाटर का। तो चलो द टमाटर का राइटिंग करेंगे टू लाइंस में। देखो प्रॉपरली टू लाइंस में राइटिंग करना है। क्या कैसे राइटिंग करोगे? पहले यहाँ पे छोटी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है आपको, एंड देन यहाँ पे कर्व ड्रॉ करना है सेकेंड लाइन तक, एंड ऊपर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ये कौन सा व्यंजन है? ट टमाटर का व्यंजन है। चलो हम फिर से राइटिंग करेंगे ट टमाटर का। कैसे राइटिंग करते हैं? पहले आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है छोटी, एंड देन सेकंड लाइन तक आपको कर्व ड्रॉ करना है, एंड ऊपर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सा व्यंजन है ये? ट टमाटर का व्यंजन है। आपको अच्छे से आना चाहिए ना, टीचर आपको फिर से राइटिंग करके दिखाएंगे। कैसे राइटिंग करोगे बच्चों ट टमाटर का? पहले आपको फर्स्ट लाइन से छोटी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, एंड देन कर्व ड्रॉ करना आपको सेकंड लाइन तक, एंड ऊपर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सा व्यंजन है बच्चों? ये ट टमाटर का व्यंजन है। आपको ऐसे प्रॉपरली ट टमाटर का व्यंजन राइटिंग करना, प्रॉपर टू लाइंस में राइटिंग करना है। आपको अच्छे से आना चाहिए ना, टीचर आपको फिर से राइटिंग करके दिखाएंगे ट टमाटर का। कैसे राइटिंग करोगे बच्चों ट टमाटर का? पहले आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है छोटी, एंड देन सेकेंड लाइन तक आपको कर्व ड्रॉ करना है, एंड ऊपर स्लीपिंग लाइन। कौन सा व्यंजन है ये? ट टमाटर का व्यंजन है। देखो स्टूडेंट्स, जैसे टीचर ने प्रॉपर टू लाइंस में राइटिंग किया ना, वैसे ही आपको प्रॉपर टू लाइंस में राइटिंग करना है ट टमाटर का। ओके, टमाटर के बाद कौन सा व्यंजन आता है? ठ ठप्पे का आता है। तो यहाँ पे आपको टू लाइंस में कौन सा व्यंजन राइटिंग करना है? ठ ठप्पे का राइटिंग करना है। तो अभी हम ठ ठप्पे का राइटिंग करेंगे, प्रॉपर टू लाइंस में राइटिंग करना है। कैसे राइटिंग करोगे ठ ठप्पे का? चलो राइटिंग करो। पहले आपको छोटी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, एंड देन सेकेंड लाइन पे पूरा आपको सर्कल ड्रॉ करना है स्टैंडिंग लाइन तक। ऐसे आपको ठ ठप्पे का राइटिंग करना है, ऊपर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे क्या राइटिंग करोगे ठ ठप्पे का? आपको अच्छे से आना चाहिए ना, टीचर आपको फिर से राइटिंग करेंगे। कैसे राइटिंग करोगे ठ ठप्पे का? पहले आपको छोटी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, एंड देन सेकंड लाइन तक पूरा आपको सर्कल ड्रॉ करना है स्टैंडिंग लाइन तक ऊपर, और ऊपर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सा व्यंजन है ये? ठ ठप्पे का। आपको ऐसी प्रॉपर टू लाइंस में ठ ठप्पे का व्यंजन राइटिंग करना है। आपको अच्छे से राइटिंग करना आना चाहिए, टीचर आपको फिर से एक बार राइटिंग करके दिखाएंगे। कैसे राइटिंग करोगे? पहले आपको छोटी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, एंड देन सेकंड लाइन तक पूरा आपको सर्कल ड्रॉ करना है स्टैंडिंग लाइन तक, और ऊपर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सा व्यंजन है ये बच्चों? ये ठ ठप्पे का व्यंजन है। ऐसे ही आपको प्रॉपरली ठ ठप्पे का व्यंजन राइटिंग करना है। तो चलो हम फिर से एक बार राइटिंग करेंगे, आपको अच्छे से आना चाहिए ना राइटिंग करना। चलो राइटिंग करो। पहले आपको छोटी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, एंड देन सेकंड लाइन तक पूरा आपको सर्कल ड्रॉ करना है स्टैंडिंग लाइन तक, और ऊपर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना है। ये कौन सा व्यंजन है? ठ ठप्पे का व्यंजन है। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे टीचर ने प्रॉपर टू लाइंस में ठ ठप्पे का, टमाटर का और ठ ठप्पे का व्यंजन लिखा है ना, वैसे ही आपको प्रॉपर टू लाइंस में व्यंजन राइटिंग करना है। टू लाइंस के बाहर व्यंजन टीचर ने राइटिंग किए क्या? नहीं। तो आपको भी प्रॉपरली टू लाइंस में ही राइटिंग करना है और नीट एंड क्लीन राइटिंग करना है। कौन सा व्यंजन है ये? चलो अभी टीचर के साथ रीडिंग करो। बोलो ट टमाटर का। बोलो फिर से ट टमाटर का। फिर से बोलो स्टूडेंट्स ट टमाटर का। फिर से बोलो ट टमाटर का। आपको ऐसे प्रॉपरली ट टमाटर का व्यंजन राइटिंग करना है। ओके, नेक्स्ट कौन सा व्यंजन है? बोलो टीचर के साथ ठ ठ ठप्पे का। फिर से बोलो ठ ठ ठप्पे का। ठ ठ ठप्पे का। ठ ठ ठप्पे का। ऐसे आपको प्रॉपरली टू लाइंस में व्यंजन राइटिंग करना है ट टमाटर का और ठ ठप्पे का। ओके, देखो स्टूडेंट्स, ये अक्षर परिचय है। इसमें आपको पता है ना, पिक्चर्स भी दी है और अक्षर भी लिखे हैं। तो चलो अब हम पिक्चर भी देखेंगे और अक्षर भी देखेंगे। पेज नंबर 2 to 22 आपको निकालना है। पेज नंबर 2 to 22 पे कौन सा व्यंजन है?
द टमाटर का। देखो आपको पिक्चर दिख रहा है ना, किसकी पिक्चर है ये? टमाटर की पिक्चर है, आपने देखे हो ना ये, आप टमाटर खाते भी हो है ना। और देखो ये क्या है, ट टमटम। देखो यहाँ पे ये टमटम की पिक्चर दिख रही है, आपने देखे हो ना आपके घर की तरफ ये ट टमटम, ये ट टमटम का हो, ट टमटम भी होता है ट से, ओके। और देखो ट से क्या होती है, टोकरी होती है, देखो जिसमें टमाटर रखे है ना, और ये क्या है, टोकरी। आप जाते हो ना मार्केट में तब ये टोकरी लेके जाते हो ना, तो ये क्या है, ये ट टोकरी का होता है, ट टमटम का होता है, और ट टमाटर का होता है। नेक्स्ट पेज नंबर, पेज नंबर 2323 निकालना है। कौन सा व्यंजन है ये? ठ ठप्पे का व्यंजन है। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, ठ ठठेरा भी होता है, ठ से ठ ठठेरा भी होता है। देखो ये आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, ये ठठेरा है, ओके। और देखो ठ से ठेला भी होता है, ये देखो ये ऐसा ठेला आपने देखा होगा ना कभी आपके घर की तरफ वगैरह, ये ठ ठेला होता है, ठ से ठेला भी होता है, ठ से ठठेरा भी होता है, और ये ठ से ठप्पा। ये देखो आपको स्टैंप मिलता है ना स्कूल की कॉपी में, तो ये उसे स्टैंप को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठप्पा बोलते हैं। ठ से ठप्पा होता है, ठ से ठेला भी होता है, और ठ से ठठेरा भी होता है, ओके। नेक्स्ट देखो ये अक्षर सुलेख है ना, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ट्रेसिंग भी करना है और क्या करना है, राइटिंग भी करना है। तो इसमें अभी आप ट्रेसिंग और राइटिंग करेंगे अक्षर, ओके। पेज नंबर 2929 निकालना है। पेज नंबर 2929 पे कौन सा व्यंजन है? टमाटर का व्यंजन है। देखो यहाँ पे टमाटर की पिक्चर भी दिख रही है ना, तो यहाँ पे आपको अभी टमाटर का व्यंजन राइटिंग करना है। यहाँ पे आपको क्लास वर्क की सेटिंग करना है। ये देखो ये क्या है, ये आपका ट्रेसिंग पार्ट है। यहाँ पे आपको टमाटर का क्या करना है, ट्रेस करना है। ये क्या है आपका नॉन ट्रेसिंग पार्ट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, टमाटर का राइटिंग करना है। तो चलो अभी टीचर आपको टमाटर का ट्रेस करके दिखाएंगे। कैसे ट्रेस करते बच्चों टमाटर का? टू लाइन्स में राइटिंग करना है ना आपको प्रॉपरली। तो आपको टमाटर का कैसे राइटिंग करना है, पहले आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है छोटी, एंड देन सेकेंड लाइन तक आपको कर्व ड्रॉ करना है, एंड देन ऊपर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सा व्यंजन है बच्चों? ये टमाटर का व्यंजन है। ऐसे ही आपको प्रॉपरली पूरा ट्रेसिंग पार्ट क्या करना है, कंप्लीट करना है, पूरा ट्रेसिंग पार्ट ट्रेस करना है। ये क्या है, ये आपका नॉन ट्रेसिंग पार्ट है। तो यहाँ पे आपको टमाटर का राइटिंग करना है। चलो टीचर आपको टमाटर का राइटिंग करके दिखाएंगे। कैसे राइटिंग करते हैं टमाटर का, पहले आपको छोटी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, एंड देन सेकेंड लाइन तक आपको कर्व ड्रॉ करना है, और ऊपर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे ही आपको टमाटर का राइटिंग करना और पूरा नॉन ट्रेसिंग पार्ट कंप्लीट करना है। ऐसे ही आपको प्रॉपरली टमाटर का यहाँ पे ट्रेस करना है और यहाँ पे नॉन ट्रेसिंग पार्ट पे टमाटर का राइटिंग करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 3030 पे कौन सा व्यंजन है? ठ ठप्पे का व्यंजन है। यहाँ पे आपको क्लास वर्क की सेटिंग करना है। देखो अभी टीचर ने आपको बताया ना, ठ से ठेला भी होता है, ओके। ये ठेले की पिक्चर आपको दिख रही है ना, तो ठ से ठेला भी होता है। ये देखो ये क्या है, ये आपका ट्रेसिंग पार्ट है। यहाँ पे आपको ठ ठेले का क्या करना है, ट्रेस करना है। ये क्या है, ये आपका नॉन ट्रेसिंग पार्ट है। यहाँ पे आपको ठ ठेले का क्या करना है, ट्रेस करना है। यहाँ पे आपको ठ ठेले का क्या करना है, राइटिंग करना है। तो चलो अभी आपको टीचर ठ, ये ठ से ठेला भी होता है और ठ से क्या होता है, ठप्पा होता है। तो चलो अभी हम टीचर आपको यहाँ पे ठ ठप्पे का ट्रेस करके दिखाएंगे। कैसे ट्रेस करते हैं बच्चों ठ ठप्पे का, आपको पहले छोटी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, एंड देन सेकेंड लाइन तक आपको पूरा सर्कल ड्रॉ करना है, एंड ऊपर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सा व्यंजन है बच्चों? ये ठ ठप्पे का व्यंजन है। ऐसे ही आपको पूरा ट्रेसिंग पार्ट कंप्लीट करना है, ठ ठप्पे का पूरा ट्रेसिंग पार्ट कंप्लीट करना है। ये क्या है, ये आपका नॉन ट्रेसिंग पार्ट है। यहाँ पे आपको ठ ठप्पे का राइटिंग करना है। तो चलो अभी टीचर आपको ठ ठप्पे का राइटिंग करके दिखाएंगे। कैसे राइटिंग करते, पहले आपको छोटी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, एंड देन सेकेंड लाइन तक पूरा आपको सर्कल ड्रॉ करना है, और ऊपर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे ही आपको पूरा ठ ठप्पे का राइटिंग करना है, पूरा ट्रेसिंग पार्ट कंप्लीट करना है, नॉन ट्रेसिंग पार्ट भी पूरा कंप्लीट करना है, और पूरा क्लास वर्क आपको कंप्लीट करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग निकालनी है, ओके। देखो स्टूडेंट्स, अभी दिवाली के बाद के होमवर्क के लिए आपको न्यू कॉपी बनानी है, हिंदी के लिए टू लाइंस की न्यू कॉपी बनानी है। उसी में आपको पूरा दिवाली का होमवर्क कंप्लीट करना है, पूरा होमवर्क लिखना है उसमें आपको, ओके। देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको होमवर्क की सेटिंग करना है, यहाँ पे व्यंजन राइटिंग करना है, यहाँ पे आज की डेट राइटिंग करना है, एंड देन देखो 1 2 3 4 5 आपको 5 लाइंस ड्रॉ करनी है। क कमल का से च चम्मच तक राइटिंग करना है हाफ सेटिंग में, एंड सेकेंड हाफ में आपको छ छाते से ठ ठप्पे तक राइटिंग करना है। फर्स्ट हाफ में आपको क कमल का से
चम्मच तक राइटिंग करना है, सेकेंड हाफ में आपको छह छाते से ठ ठप्पे तक राइटिंग करना है। प्रॉपरली आपको होमवर्क पूरा कंप्लीट करना है और जैसे टीचर ने सेटिंग किया ना वैसे ही आपको प्रॉपरली सेटिंग करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग करनी है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आपको फिर से होमवर्क की सेटिंग करनी है, यहाँ पे स्वर की राइटिंग करना है, और से आ तक आपको पूरे स्वर राइटिंग करना है। यहाँ पे आज की डेट राइटिंग करना है, फर्स्ट पहले आप अ से रू ऋषि तक राइटिंग करोगे एंड देन सेकेंड लाइन में ए एडी का से आ तक राइटिंग करोगे। कैसे राइटिंग करोगे, फर्स्ट लाइन में आप अनार का से रू ऋषि तक राइटिंग करोगे, सेकेंड हाफ में आप ए एडी का से आ तक राइटिंग करोगे। ऐसे ही आपको पूरा होमवर्क कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, अभी टीचर ने आपको बताया ना कैसे राइटिंग करते हैं व्यंजन, वैसे ही आपको प्रॉपरली व्यंजन राइटिंग करना है। आपको क्लास वर्क वर्कबुक में कंप्लीट करना है और होमवर्क आपको टू लाइंस की कॉपी में कंप्लीट करना है, और नीट एंड क्लीन होमवर्क कंप्लीट करना है, डर्टी वर्क आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, थैंक यू, बाय।